नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिंपल मैथ्स फॉर यू मैथमेटिक्स के चैनल में। और आप सभी यहां पर मैथमेटिक्स की नॉलेज लेने के लिए आए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को हमारे इन वीडियोज़ के माध्यम से मैथमेटिक्स की पूरी कंप्लीट और एकदम परफेक्ट नॉलेज मिले। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये सेट थ्योरी पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि सेट्स क्या होता है। ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी थी कि सेट्स जो है वो समुच्चय क्या होता है, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और जो हम चीज़ों का सेट बनाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का, उसे हम सेट बोलते हैं। यानी कि वस्तुओं के सुप्रवासित संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सेट्स को जो है वो इस तरह का सेट बनाया था। और ये सेट्स को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये भी हमने सीखा था। और इस तरह से हमने इन चीज़ों को, सेट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था। आज के वीडियो में हम इससे आगे सेट के बारे में कुछ नए टॉपिक करेंगे। थंबनेल में आपने देखा ही होगा टॉपिक के नाम वगैरह, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को सेट्स के आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको सभी समझ में आए। तो देखिए, आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ सेट्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सम एग्जांपल ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। यानी कुछ सेट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, हम उनके एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो सेट आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन जो ज़्यादातर काम आते हैं उनके कुछ एग्जांपल होते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं एन सेट नंबर क्या सेट क्या देखते हैं हम एन। देखिए, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जो नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्याएँ होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो एक से स्टार्ट होते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से ये जाते रहते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है जिसका नाम है एन। ठीक है, ये इक्वल मंझले ब्रैकेट में उसके एलिमेंट लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरह से। ठीक है, ये डैश डैश मैंने लगाया है। डैश डैश का मतलब होता है कि आगे कंटिन्यू है, ये आगे नंबर कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन सारे नंबर लिखने पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से डैश डैश लगा दिया। ठीक है, ये है हमारे नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक यानी आगे तक जाते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनको, उनका जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन। आगे आने वाली एलजेब्रा में और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम जो एन कहीं पर भी देखेंगे, अगर सेट एन, तो उसका मतलब यही होगा नेचुरल नंबर। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा काम आता है ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जेड। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जेड। देखिए, जेड जो होता है ये इंटीजर्स को शो करता है। ठीक, किसको शो करता है, इंटीजर्स को। लेकिन आप कहोगे कि इंटीजर तो आई से होता है, जेड से कैसे, तो इसको आई भी लिखते हैं। कई जगह इसको आई लिखा हुआ होता है, कई जगह जेड लिखा हुआ होता है, लेकिन मोस्टली इसको जेड ही लिखा हुआ होता है। ये इंटीजर्स का सेट होता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर्स मैं इस तरह से लिखूँगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से। अब ये देखिए, ये मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि शुरू में भी डैश डैश, लास्ट में भी डैश डैश, तो कैसे। देखिए, इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर हो, बिना पॉइंट की वैल्यू या बिना फ्रैक्शन की वैल्यू इंटीजर होती है। तो बीच में 0 होता है, आगे 1, 2, 3, 4 और पीछे -1, -2, -3, -4 आगे कंटिन्यू। तो पीछे भी कंटिन्यू चलेंगे माइनस में, आगे भी कंटिन्यू चलेंगे, तो दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, डैश डैश लगा दिया। तो पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर, उनका जो सेट होता है वो ये होता है। अगर कोई भी इंटीजर का सेट आए तो आपके सामने क्या रखना है, आई और जेड। ठीक है, इसी तरह से एक होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन्ड। ठीक है, यानी कि क्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन्ड। और क्वेश्चन्ड जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर का सेट। किसका सेट, रेशनल नंबर का। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर तो अलग अलग कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल नहीं बता सकते, बस आपको सेट का नाम याद रखना है क्यू। क्यू के यहाँ पे क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट। इसी प्रकार आर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए रियल नंबर में एन भी आता है, जेड भी आता है, यानी इंटीजर भी आते हैं,
और ये सब आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं, वो सारे किस्म आते हैं, रियल नंबर आते हैं। तो आर जो हो गया वो किसका सेट हो गया, रियल नंबर का। अब यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल होते हैं तो हम कुछ नंबर लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर हमने सीधे लिख दिया रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है, आर होता है। इसी प्रकार आपको एक जेड प्लस याद रखना है। देखिए जेड क्या था, इंटीजर, और अगर मैं जेड प्लस की बात करूँ तो प्लस का मतलब है पॉजिटिव, तो यहाँ पर वो सेट लेना है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ये लो इंटीजर की पॉजिटिव वैल्यू ये सारी, तो ये हो गया जेड प्लस। इसी तरह से अगर आपको जेड माइनस लेना हो तो जेड माइनस में माइनस की वैल्यू आ जाएंगी सारी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सेट के कुछ नोटेशन है ये आपको याद रखने हैं, आगे आने वाले सवालों में काम आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको आर प्लस सेट दिया हो तो आर क्या था, रियल नंबर, तो आर प्लस जो सेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर आपको यहाँ पे लेने होंगे, ठीक है। तो ये है आपका कुछ सेट्स के एग्जांपल, ठीक है। ये तो हुई कुछ एग्जांपल्स की बात, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एन जेड क्यू आर ये डायरेक्ट आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेट है वो किसके होते हैं। एक यहाँ पर रह गया वो भी बता देता हूँ मैं, डब्लू, ये ऊपर रह गया था डब्लू। डब्लू होता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक इस तरह से, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे से ऐसे, तो ये होता है होल नंबर यानी W। तो अगर W कहीं भी आए तो वो किसका सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। ये तो है कुछ एग्जांपल्स सेट्स के। अब हम, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट सेट्स के एग्जांपल, अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, क्या बात करते हैं, एलिमेंट्स की। देखिए सेट्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, या अवयव हिंदी में बोलते हैं अवयव, अवयव क्या होते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे हम इसी सेट की बात करते हैं, यहाँ पर एक W मैंने सेट लिया, ये है होल नंबर का सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे होल नंबर है, तो ये जो है ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे, ये इसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 W का एलिमेंट है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, 6 W का एलिमेंट है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, अगर 0 W का एलिमेंट है आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, अगर मैं कहूँ -3 W का एलिमेंट है तो आप कहोगे -3 इसमें नहीं है, यानी -3 W का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। -47 W का एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, तो -47 W का एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं कि जो गिवन एलिमेंट है या जो आपसे पूछा है वो उस सेट में है या नहीं। तो यहाँ पर एक साइन हम लेते हैं, ये इस तरह का एक इस तरह का साइन हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। अब जब भी आप ये साइन देखो कहीं पर भी मैथ्स में तो आपको इसका मतलब याद रखना है, एलिमेंट ऑफ इस तरह का साइन है, छोटे ई की तरह होता है लेकिन ई नहीं है, ये एलिमेंट ऑफ इसका नाम है, एलिमेंट ऑफ ये। अब यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 3 W, मैंने यहाँ पे लिखा 3 W, तो यहाँ पर 3 है, 3 W, क्या 3 W का एलिमेंट है, जी हाँ 3 W का एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -4 W, क्या -4 W का एलिमेंट है, तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो E का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, और E के अंदर अगर ऐसे काटा हुआ हो तो इसका मतलब होता है नॉट एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी अगर ये E काटा हुआ है तो वो उसका एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट को देखते हैं कि इस E का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, अगर किसी कोई एलिमेंट उस सेट में है तो हम लिख देंगे 3 is element of W, और अगर नहीं है तो हम लिख देंगे 3 is not element of W, यानी एलिमेंट ऑफ का जो साइन है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कटस लगा देंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप एलिमेंट लिखते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ए सेट, या सेट को लिखने का तरीका। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ए सेट, या हम हिंदी में इसको कहें तो सेट को लिखने का तरीका, या आप लिख सकते हो समुच्चय को लिखने का तरीका। तो देखो समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो होता है, मैं आप सीधा आपको नाम बता देता हूँ, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, 2 types of methods, ठीक है, दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, पहला जो तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, ठीक है, या हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, या इसको लिस्ट फॉर्म भी कुछ कुछ बुक्स में या कई जगह बोला जाता है लिस्ट फॉर्म, ठीक है।
पहला जो तरीका उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या उसको टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, या उसको हम लिस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको रूल भी बोल सकते हैं, या इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब हम सीधे से क्या करते हैं, सेट की डेफिनेशन लिख देते हैं, या उस सेट्स का जो रूल है वो लिख देते हैं, या उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मेन जो नाम है वो यही है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो कई बुक्स में या कई जगह कई टीचर्स बोल देते हैं, तो आपको हल्का सा ध्यान रखना है। और इसकी मेन फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी कई बुक्स में है। लिस्ट भी इसको बोल देते हैं हम, कई जगह पे लिस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हम किसी सेट को यूं लिखें, मान लो सपोज मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये मैंने लिखा, तो ये मैंने एक सेट लिखा जिसके अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिस्ट कर दिया 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसी को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स, फिर ये निशान, देखो ये जो निशान होता है ये इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट, या ये एक तरह से डेफिनेशन थी कि ए के अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा। और एक्स क्या है, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन 6। ये देखो इस तरह से मैंने लिख दिया, यानी मेरे को ए में, ए समुच्चय में वो एलिमेंट लेने हैं, ए समुच्चय में मेरे को क्या लेने हैं, एक्स लेने हैं। एक्स क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, यानी एक्स जो है वो एन का एलिमेंट होना चाहिए। अब एन क्या पढ़ा था हमने, ये देखो मैंने आपको बताया था बार बार काम आएंगे एन, एन यहाँ पे क्या है, एन है नेचुरल नंबर का सेट, तो एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या होगा, n का एलिमेंट होगा। अब n का एलिमेंट मतलब 1 से, x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा मतलब अपन को 1 नहीं लेना, 2 से लेना है। और x 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा है मतलब अपन को 5 तक लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस सेट को देखिए, ये सेट और ये सेट एक ही है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैंने उसको परिभाषा के रूप में लिख दिया कि x सच दैट, यानी x इस प्रकार हो कि x इज एलिमेंट ऑफ n, x n का एलिमेंट हो, और x 1 से बड़ा हो, और x 6 से छोटा हो। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ थोड़ा सा अलग स्टाइल में, x सच दैट, x इज एलिमेंट ऑफ n को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज एलिमेंट ऑफ n। ये निशान मैंने आपको बताया था एलिमेंट ऑफ का होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा x इज एलिमेंट ऑफ n, कोमा x ग्रेटर देन 1, कोमा x लेस देन 6। बस सीधे इस तरह से लिखा। तो ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश करके, ये अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया n में क्या है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है। और या फिर मैं यूँ लिख दूँ n इज इक्वल टू ब्रैकेट में ऑल नेचुरल नंबर्स, ये लो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सीधे सीधे लिख दिया n इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया मेरा एक डेफिनेशन, एक सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यहाँ पर आपको सारे वो लिखना है। और ये अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये हमारी होगी टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, पेपर में या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से लिखा आ सकता है, इस तरह से लिखा आ सकता है, आपको ये लिखना पूछ सकते हैं, ये लिखा आ सकता है, आपको ये लिखना पूछ सकते हैं। दोनों तरह की जो फॉर्म है वो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक या दो बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने सेट्स के कुछ एग्जांपल देखे, एन जेड क्यू आर जेड डब्ल्यू, ये जो फिक्स सेट्स के नाम होते हैं क्योंकि ये हमारे बार बार काम आएंगे। इसके अलावा सेट्स आप कोई भी बना सकते हो। सेकंड हमने देखा एलिमेंट का, ये साइन होता है एलिमेंट ऑफ का, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो हम लिखेंगे 3 एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के अंदर 3 है। -4 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो हम सीधे क्या करेंगे, इस तरह का साइन का यूज़ करेंगे, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ए सेट, यानी किसी सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो क्या तरीका है, दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रूल्स या डेफिनेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट अगर लिस्ट वाइज लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म है, और अगर हम इस तरह से डेफिनेशन में या इस तरह से लिखते हैं तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। पेपर में किसी प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका तीसरा लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट,
यानी अलग अलग सेट्स के टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सब हम उसमें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।